हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चलें। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे बॉन्साई लर्नर्स के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर नीतीश जी आपको हर हफ्ते एक से एक बॉन्साई बनाना सिखाते हैं। ऑलरेडी हम जेड बॉन्साई बना चुके हैं, बोगनवेलिया बॉन्साई बना चुके हैं और फाइकस बॉन्साई भी बना चुके हैं। तो आज एक न्यू कैटेगरी के साथ हम देख सकते हैं, मेरे बगल में है पीपल। तो पीपल के भी बॉन्साई बनते हैं, काफ़ी लोग पीपल का भी बॉन्साई बनाते हैं और कई लोगों के पास इसके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन भी होते हैं। तो आखिर पीपल का बॉन्साई कैसे बनाया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है, स्टाइलिंग कैसे होती है, इसके लिए सॉइल मिक्सचर हमें कैसे तैयार करना है और इसे रिपोर्ट कैसे करना है, यही सारी चीजें आज से हम स्टार्ट करेंगे पीपल बॉन्साई के ऊपर। तीन वीडियो इसकी आने वाली है। फर्स्ट वीडियो आज आप जो देख रहे हैं, इसमें इसकी स्टाइलिंग होने वाली है पूरी की पूरी। वायरिंग वगैरह अगर सर करेंगे तो वायरिंग भी आपको करके दिखाएंगे, इसको इस पॉट से बाहर निकालेंगे, इसकी रूट्स वगैरह आपको दिखाई जाएंगी। सेकेंड वीडियो जो होगी उसके अंदर इसका प्रॉपर सॉइल मिक्सचर बना के दिखाया जाएगा कि पीपल बॉन्साई जब आप तैयार करें तो उसका सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं। और जो थर्ड वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर इसको हम एक न्यू पॉट में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि एक बॉन्साई पॉट में इसको रिपोर्ट करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक देखेंगे कि आखिर पीपल बॉन्साई बनने के बाद कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों वीडियो बैक टू बैक हमारे चैनल पे आने वाली हैं। ऑलरेडी काफी सारी वीडियो चैनल पे आती रहती हैं, हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बॉन्साई क्लासेस में। गाइस, आज हमारे पास जो एक प्लांट है वो पारस पीपल है, इसकी अभी हम बॉन्साई बनाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी तक हम बॉन्साई बना रहे थे, जेड के ऊपर बनाया हमने, बोगनविलिया पे बनाया, एडेनियम पे बनाया, फाइकस पे भी बनाया, माइक्रोगार्पा पे। तो सेम फैमिली का प्लांट है, फाइकस फैमिली का प्लांट है ये। इसकी काफी शानदार बॉन्साई बनती है। अगर मैं पीपल की बात करूं, पीपल की काफी स्पीसीज होती हैं, उसमें एक होता है काफी अच्छा यूनिक प्लांट जिसको हम बोलते हैं पारस पीपल। इसकी खासियत ये है कि बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है। ग्रोथ के साथ साथ जो इसकी मैच्योरिटी होती है ट्रंक की, जो बिल्कुल जैसा लगता है देखने में कि काफी उम्र का प्लांट है, वो इसमें काफी जल्दी ये अचीव करता है। जल्दी से जल्दी इसमें ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो पारस पीपल का जो पेड़ है उसको बॉन्साई बनाना बहुत इजी होता है। प्लस मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा जल्दी थिक करना चाहते हैं, अगर आप नियरेस्ट नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो उसे आप प्लीज बड़े ट्रेनिंग पॉट में लगाएं, जिससे जल्दी से जल्दी एक बॉन्साई में कन्वर्ट हो सके। हालांकि फिलहाल मैंने ये पूरा डेवलप कर दिया है, मैं इसको छोटे साइज में ही रखना चाहता था। तो मैं क्या चाहता हूं, इसको फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप के बॉन्साई किस का जो प्लांट होता है किस स्टाइल फॉर्म में ज्यादा बेटर लगता है। तो फिलहाल ये जो प्लांट है जो पारस पीपल का है, मैं इसका जो बॉन्साई बनाना चाहता हूँ एक ब्रूम स्टाइल बॉन्साई बनाना चाहता हूँ। पहले जो वीडियोस मेरी आई हैं जेड के केस में, मैंने ब्रूम स्टाइल का बॉन्साई इंट्रोड्यूस किया है। आप खुद ढूंढ सकते हैं किस टाइप का दिखता है। एक्चुअली क्या होता है, ऊपर की कैनोपी पूरी या फिर अम्ब्रेला स्टाइल बॉन्साई बोल सकते हैं। फिलहाल मैं आपके ब्रूम स्टाइल बॉन्साई बताता हूँ। ऊपर पूरा फॉलिएज बनता है, हम नीचे पैडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, पूरा एक कंप्लीट फॉलिएज बनता है बॉल की तरह, जिसे आप उसको ब्रूम स्टाइल बॉन्साई से कह सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लांट को वायरिंग करेंगे। जैसा आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारे इसके मल्टीपल ब्रांचेज हैं जो कि एक सिंगल यहां से मतलब इस सिंगल ट्रंक से निकल रही हैं। इस प्लांट को थोड़ा सा बॉन्साई करेक्टर देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्री का करेक्टर देने के लिए ये जो हमारे ब्रांचेज निकलती हैं ऐसे जा रही हैं, इसे थोड़ा सा हमें एक ड्रामा थोड़ा सा एक यूनिक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एक कर्व्स देने पड़ेंगे जिससे लगे कि हाँ एक नेचुरली स्टंट मूवमेंट्स आई हैं इसके अंदर। तो इस टाइप से करके हमें करने के लिए वायरिंग की जरूरत पड़ेगी और देखते हैं वायर करने के बाद क्या क्या इसका रिजल्ट होता है। तो इस टाइप के प्लांट अगर हम किसी भी टाइप से अगर किसी भी मतलब स्पीसीज का प्लांट हो, अगर उसका ब्रूम स्टाइल बनाना हो तो काफी इजी होता है, देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। फिलहाल अभी मैं इसी सेम ट्रेनिंग पॉट के अंदर इस प्लांट को, इस बॉन्साई को ट्रेन करना चाहूंगा, वायर करना चाहूंगा, जिससे कि बहुत इजी तरीके से वायर हो पाए। देखते हैं, अगर आप रिपोर्ट करने के बाद वायर करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपका जो प्लांट है वो हिल जाएगा। तो रिपोर्ट करने से पहले, एक बॉन्साई पॉट में लगाने से पहले इसको वायर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिलहाल इसको वायर करने के लिए मैं सेम टेक्निक का यूज करूंगा, क्रॉस वायरिंग। एक ही वायर से दो दो ब्रांच को कवर करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह में। तो इसको वायर करने के लिए जो मैंने वायर यूज किया है वो है 14 गेज का वायर है, 14 गेज का वायर है। और जो आपको इसमें ध्यान देना है वायर करते वक्त, सबसे पहले अपने उंगलियों का बहुत अच्छे से ध्यान दें किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं आपके ब्रांच को। नहीं तो वायरिंग के वक्त मैंने ज़्यादातर केसेस में देखे हैं जो ब्रांचेज होती हैं टूट जाती हैं ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें वायर करते वक्त कि कोई ब्रांच पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आपको दोनों उंगलियों की मदद
मदद से वायर को भी प्रेस करके रखना है और ब्रांच को भी प्रेस करके रखना है, जिससे कि एक बिल्कुल इक्वल बैलेंस बन पाए दोनों के बीच में। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है 45 डिग्री एंगल बना के आपको वायरिंग करनी है। जो वायर की मूवमेंट होगी वो 45 डिग्री एंगल पे जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना सके वायर इस ब्रांच के साथ। तो मैंने दो ऑपोजिट ब्रांचेस लिए हैं इस केस में, उन दोनों को वायर कर देता हूँ जिससे एक क्लियर स्ट्रक्चर बन सके इस बॉन्साई का। फाइनली जो हमने ब्रूम स्टाइल बनाना था वो बना लिया है। देख सकते हैं इस केस में जो ब्रांचेस की प्लेसमेंट होती है बिल्कुल यहाँ पे जो होता है इस टाइप का, जो इस एरिया से निकल रहा होता है बिल्कुल स्ट्रेट जाता है इस तरफ से करके, बाकी ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं साइमल्टेनियसली अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें प्लेस करना होता है। तो फिलहाल हमने जो इस छोटे से पार्स पीपल के साथ करना था वो कर दिया है और डिज़ाइनिंग काफ़ी यूनिक लग रही है। अगर अब इसकी मैं अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ तो अब ये रिपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है। प्लस मैंने क्या किया है, बहुत सारे ब्रांचेस को एक अच्छे स्ट्रक्चर देने के लिए एक सही जगह से मैंने कट किया है, जिससे कि वहाँ पे न्यू शूट्स निकले और ब्रांच पूरा का जो ये पूरा प्लांट जो उसका पूरा फॉलीज भर जाए एक दिन। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ब्रूम स्टाइल इसी तरह से बनाए जाते हैं, आप भी बना सकते हैं अपने प्लांट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो देख सकते हैं आप। अभी तक सर ने क्या किया, इसकी पूरी की पूरी स्टाइलिंग कंप्लीट कर दी है, वायरिंग कर दी है अच्छे से और बहुत ही अच्छी शेप हमारे सामने है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इस पॉट से निकालेंगे, नर्सरी पॉट से निकालेंगे और इसकी रूट्स वगैरह चेक करेंगे कि कोई डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके अंदर, और साथ ही में इसका एक सॉइल मिक्सचर तैयार किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें, जो भी न्यू है हमारे चैनल पे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं इसके सेकंड वीडियो के साथ। हमारा ये जो सॉइल कॉम्पोजिशन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।